एवरी वन वेलकम टू स्रजन इंडिया वन सी दार्डेस्ट वॉक इज वॉकिंग अ लोन बट इट्स ऑल्सो द वॉक दैट मेक्स यू द स्ट्रोंगेस्ट आपने डिसाइड किया है आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना है फुल थ्रोटल पढ़ना है एट टाइम्स आपको वॉक अलोन भी करना पड़ेगा उससे डरिएगा नहीं इट इज योर जर्नी द हार्डेस्ट वॉक इज वॉकिंग अ बट इट्स ऑल्सो द वॉक दैट मेक्स यू द स्ट्रोंगेस्ट

इटमिन सी फॉर कॉन्फिडेंस वाइटामिन डी फॉर डिसिप्लिन जॉय दिस इज वोकैबलरी ग्रेवेस्ट का मतलब होता है सबसे गंभीर गिविंग कॉज फॉर अलार्म या फिर सीरियस इम का मतलब है अनस्थिरता मतलब वो परमानेंट नहीं है द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है विलिंगनेस टू सीक्रेटली अलाउ और बी इन रॉन्ग डूइंग एस्पेशली एन इमोरल और इलीगल एक्ट मिली भगत डेस्परेशन in का मतलब होता है निराशा द अस्टेट ऑफ डेस्पेयर टिपिकली वन विच रिजल्ट इन रश और एक्सट्रीम बिहेवियर अविडिटी का मतलब होता है उत्कट इच्छा एक्सट्रीम ईगरनेस और एंथजियाजम सो so, आज के वो कैब वर्ड्स हैं अविडिटी डेस्परेशन कोनाइवेंस इम एंड ग्रेवेस्ट इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अभी मेन्स एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने रियलाइज किया ना लैंग्वेज प्रोफिशेंसी क्यों इतना जरूरी है हमें चीजें तो आती है बट वो कभी भी हमने फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा हमारे पास वाइड रेंज ऑफ वोकैब वर्ड्स नहीं है ताकि हम सटीक शब्दों का प्रयोग कर पाए तो ये बहुत जरूरी है दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ओके देन दिस इज सी सेट सो ये क्वेश्चन नंबर वन है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर टू है अभी हम सी सेट बहुत अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का इस बार बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वी विल प्रिपेयर ये आंसर राइटिंग है प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडियन मिसाइल्स सिस्टम इंडियन इंडियन मिसाइल सिस्टम है डी आर डी ओ की डिफरेंट मिसाइल्स होती है इन सारी मिसाइल सिस्टम का एक कम्पाइलेशन बना लीजिए अग्नि सीरीज़ का प्राइम सीरीज़ का ब्रह्मोसिरीज़ का धनुष क्या है ऐसे सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं जो हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि प्राइम आगे हम देखेंगे इसका एक कंपाइलेशन कर लीजिए ये आपको प्रिलिम्स मेन्स दोनों में बहुत यूज़फुल रहेगा सेकेंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बहुत सारे इनिशियेटिवस हैं जैसे यू पी आई हुआ नाच हुआ बिल पेमेंट सिस्टम हुआ दे सो मेनी इनिशियेटिव इन सब पे एक डिटेल्ड नोट आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए एन पी सी आई की वेबसाइट विजिट करिएगा बड़ी अमेजिंग ऑसम awesome वेबसाइट है उसमें इनिशियेटिव में सारे इनिशियेटिव वन बाय वन दिख जाएंगे और ये डी आर डी ओ की वेबसाइट विजिट करिएगा इंडियन मिसाइल्स सिस्टम आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग बहुत जरूरी होता है से हम ऑन ट्रैक रहते हैं प्रिपरेशन हमारी ऑन ट्रैक होती है ये ऐसे है ऐसे का ये थाउजेंड वर्ड्स में हमें लिखना था एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स इसका मैंने ये फीडबैक वाला पूरा पीडीएफ अभी शेयर किया है टेलीग्राम क्विज में हैवुक आपने जितने भी सबमिशन्स यहाँ पे किए थे वेबसाइट में मैंने सब में नेसेसरी फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये आपका पहला ऐसे था आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है बट द पॉइंट इज स्टार्ट तो हो गई अब एंड किस लेवल पे करना है ये हमें डिसाइड करना है तो कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ ऐसे इन टोटल पाँच ऐसे हम करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून और ये सारे फिफ्थ ऐसे आते आते तक आपका बहुत अच्छा लेवल होना चाहिए ऐसे में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को ही फीडबैक प्रोवाइड कर दिया है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पेइंग द फी फॉर मेंस कोर्स सी द पॉइंट इज यू नो देयर इज अ फी फॉर द मेंस कोर्स क्या इतना काफ़ी नहीं है सी मैं बहुत सारी चीज़ें ओपन इसलिए कर देता हूँ बिकॉज चीज़ों को ना एक्सक्लूसिव बनाने में बहुत एंट्रोपी होती है बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन होता है सो दैट इज बाई आई ऑलवेज ट्राई कि चीज़ों को जितना ओपन कर सकें इंक्लूसिव कर सकें वैसे रखें एक्सक्लूसिविटी कम से कम हो पर एक्सक्लूसिविटी भी जरूरी है बिकॉज बिना फी के बिना रिसोर्सेज के सारी चीज़ें कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा सो दैट इज़ बाय आई ऑलवेज ट्राई कि लेट इस हैव दिस रिलेशनशिप जिस में आई विल फोकस एंटायरली ऑन टीचिंग ऑन योर प्रिपरेशन यू टेक केयर पार्ट ऑफ दिस फी थिंग ओके दिस इज अ गुड रिलेशन इससे हम हम दोनों का कॉन्शियस क्लियर रहेगा कॉन्शियस क्लियर रहेगा ओके सो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करो जितने भी ऐसे के पार्टिसिपेशन आएंगे मैं सबको रिव्यू करूँगा ओके okay? दैन दिस इज मेन्स कोर्स ये बहुत अमेजिंग कोर्स है इसको आप ज्वाइन करिए आपको बहुत बेनिफिट होगा यू हैव गॉट नथिंग टू लूज यू हैव गॉट नथिंग टू लूज ओके सो अटेंड द लाइव क्लासेज ये प्रिलिम्स कोर्स है अब सी ये कोर्स भी हम ट्वेंटी एट ऑफ मे प्रिलिम एग्जाम के पहले लॉन्च कर सकते थे जब सबका मोटिवेशन लेवल भी हाई था बिकॉज ट्वेंटी एट्थ ऑफ मे ने तो काफ़ी डिस्करेज कर दिया है स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया है बट दिस इज नॉट हाउ वी वर्क नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने से पहले ट्वेंटी एट ऑफ मे को एग्जाम को स्टडी करना जरूरी था सो दैट इज़ वाई वी स्टडीड द ट्वेंटी प्रिलिम्स एग्जाम और अकॉर्डिंगली फिर हमने ये छब्बीस मई दो हज़ार चौबीस का ये कोर्स डिज़ाइन किया है दिस इज़ अ वेरी वेरी थॉटफुल कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये जो पीस मील अप्रोच होती है जैसे जुगाड़ वाला होता है यहाँ से ये पढ़ लिया इधर से ये शॉर्टकट हो गया दिस अभी तक हर सीन्सियर स्टूडेंट ने ये रियलाइज कर लिया होगा ये वर्क नहीं करती है ये जो चीजें होती है ना इसमें बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है दिस इज अ फैक्ट सो दैट इज वाई ये सारी चीजों को वन अप्रोच से फॉलो करना ही बेहतर है ये बेस्ट कोर्स हो सकता है बेस्ट प्रिपरेशन स्टडी हो सकती है टू टारगेट दिस ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसमें हम कोर सब्जेक्ट्स देखेंगे करंट अफेयर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम ध्यान देंगे कम्युनिकेशन स्किल्स एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और सी सेट का भी प्रैक्टिस होगा सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और इसको हम टोटैलिटी में ही पढ़ेंगे पीस मिल अप्रोच से नहीं होता है फायदा इतने एक्सपीरियंस से देख रखा है हमने ये इससे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर वो बहुत कॉस्टली प्रूव होते हैं सो वी विल स्टडी इट इन दिस वन अप्रोच ओके टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट स्रजन इंडिया डॉट वन ये है दिस इज अबाउट सोशल मीडिया अपडेट इसमें भी एक बहुत अच्छा इनिशियेटिव आने आ रहा है अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्रजन इंडिया वन जो न्यू इनिशिएटिव है दैट इज सिविल सर्विसेज वन ये कॉम्युनिटी लेड होगा और इसमें हम बहुत अमेजिंग अभी इनिशिएटिव यहाँ पे लेने वाले हैं सोशल मीडिया अपडेट्स एक्सेट्रा इट इज गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम ओके okay. तो जैसे ये लू से बचे मौसम के अपडेट के साथ सतर्क रहे मौसम की खबरों के लिए रेडियो सुने टीवी देखें अखबार पढ़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की वेबसाइट में देखें इस पे आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी अननेसेसरी क्लिक बेट या पैनिक नहीं क्रिएट किया जाता है यहाँ पे ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलती है ये एट बेनिफिट्स ऑफ योगा योगा बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्टूडेंट्स में इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट इससे आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन होता है स्ट्रेंथ एंड मसल टोन होता है स्ट्रेस एनजाइटी कम होती है स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है रिस्क ऑफ इंजुरी कम होती है कार्डियोवस्क्यूलर हेल्थ बेहतर होती है एनर्जी एंड वाइटेलिटी बनी रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी इनहेंस होता है तो योगा इज इंपॉर्टेंट ये कैलिको म्यूजियम है टेक्सटाइल का अहमदाबाद में तो म्यूजियम में दो विंग्स हैं एक तो हवेली है जिसमें रिलीजियस टेक्सटाइल साउथ इंडिया ब्रोन जैन आर्ट मुगल मिनिएचर पेंटिंग एक्सेट्रा है दूसरा चौक है जिसमें रॉयल टेंट्स हैं कारपेट्स फर्निशिंग कॉस्ट्यूम्स ऑफ मुगल एंड रीजनल कोट्स तो व्हाट इज दिस दिस इज कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इन अहमदाबाद ये है भगवान बिरसा मुंडा अमृत महोत्सव है Remembering the freedom fighter on his death anniversary, he launched his movement against the British in 1895, Played a crucial role in liberation of his community from the atrocities of the British. See, हम बात करते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजिकल प्रवेश की. तो अब किन पिलर्स में बात करोगे टेक्नोलॉजी प्रवेश की. These are the pillars. फॉर एग्जाम्पल यू पी आई ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं ये जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना ये वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत एडवांसड है इवन यूएसए यूरोप से भी हम कहीं आगे हैं वेन इट कम्स टू दिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम तो इतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे ट्रांसफर हुए डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइन हो रहे हैं क्या बता सकते हो डिजिटली साइन का क्या मतलब होता है डी एल सी प्रोसेस इतने हुए हैं देन जेम है, Then jam है. ज इतने स्टार्टअप्स आए हैं जैम मतलब सरकारी अमेजोन या फ्लिपकार्ट वीकन से ये उमंग है उमंग एप है वॉट इज उमंग एप टेल ये डेटा जो इंडिया में है दिस इज अगेन वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड जो इंडिया में जी बी पर जीबी जो हमें डेटा रेट पे करना पड़ रहा है इट इज चीपेस्ट अमंग चीपेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इतने पेशेंट्स को ई संजीवनी मिला डी बी टी से इतने करोड़ ट्रांसफर हुए सिंगल फ्लाइट सैटेलाइट लॉन्च इन सिंगल फ्लाइट सैटेलाइट स्पेस

सो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग मेन्स में बहुत जरूरी होती है वरना हम बस इंग्लिश लिखते रह जाते हैं वहां पे ये दिखना चाहिए ये सेंगोल है अ सिंबल इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एम्पायर तो एक गोल्डन स्टाफ होता है ये सेंगोल एक गोल्डन स्टाफ होता है इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर अमंग चोला किंग्स ब्लेस्ड बाय प्रीस्ट्स एंड पास डॉन्ट तो अभी जब पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट में स्विच हुआ तो वहां पर भी ये सेंगोल का वहां पे दिखाया गया था So, ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट अब हम क्विकली आते हैं द हिंदू न्यूज पेपर में सो दिस इज आर बी आई होल्ड रेट्स वाउस टू तो कीप प्राइस स्टेबिलिटी तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी होती है छह मेंबर की और ये डिसाइड करते हैं रेपो रिवर्स रेपो मॉनिटरी पॉलिसी कैसे रखना है टाइटर रखना है या फिर इजी रखना है लिक्विडिटी को तो ये मॉनेटरी पॉलिसी अभी साढ़े छह प्रतिशत पे रखा है रेपो रिवर्स रेपो बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी टेम हो रही है और हमें ग्रोथ को भी आगे बढ़ाना है ग्रोथ इन डेवलपमेंट को हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट लेवल से ऊपर है टारगेट लेवल होता है फोर प्लस माइनस टू मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो दो से छ प्रतिशत के बीच होनी चाहिए पर अभी इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई होती है वो छह से थोड़ा ज्यादा है तो अभी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है आरबीआई अभी मॉनसून पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होगी इसको आगे देखेंगे सो so, आरबीआई अभी कंजर्वेटिव रही है पोल्स रेट किया है रेट चेंज नहीं हुआ है साढ़े छह प्रतिशत ही रहेगा रेपो रिवर्स रेपो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है दो हजार के जो नोट्स हैं तो आधे से ज्यादा नोट्स अभी आ चुके हैं ये भी यहाँ पे डिक्लेयर किया वी हैव मेड गुड प्रोग्रेस इन कंटेनिंग इन्फ्लेशन डिस्पाइट थ्री इज ऑफ ग्लोबल टर्म ऑयल इंडिया ग्रोथ हैज बाउंस गुड कैनेडा इज गिविंग स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट सेक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी ज़्यादा बोल्ड होती जा रही है और हम अपने इंटरेस्ट को क्लियरली बताते भी है एट टाइम्स इंडिया में हम इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखते हैं जीएस थ्री में इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है एक्सटर्नल जो प्लेयर्स होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं वो हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और एट टाइम्स बिकॉज वी इंडियंस आर सो मेनी इन नंबर तो हम इंडियंस वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है तो कई बार ये भी होता है कि हम इंडियंस को वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स और फिर वहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड देन कंट्री के अगेंस्ट की जो एक्टिविटीज है वो भी वहां पे परस्पायर होती है तो इस बात को यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया गिविंग स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट एंड दोज दोट वस टेररिज्म की सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज की और वायलेंस की इसकी कोई जगह नहीं है इज रिमार्क स्कीम आफ्टर अ फ्लोट सेलिब्रेटिंग दिस असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी सो द पॉइंट इज कि ये अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड बैकिंग हो रहा है कैनेडा का सो दिस इज अगेन बायोलिटरल टाइज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है सिमिलर नॉट ओनली नॉट ओनली कैनेडा बांग्लादेश नेपाल म्यांमार को भी जो इंडियन इंडियन थाट्स हैं फॉरन पॉलिसी में वो बहुत क्लियर कट बता दिया है कि अगेंस्ट इंडिया ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज अगर आपके ग्राउंड से हो रहा है आपके होम टर्फ से हो रहा है तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड जैसे पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है टेररिज्म का टेररिज्म का टू डी एस्टेबलाइज इंडिया सो सीनो इंडिया रिलेशन ये सब बहुत क्लियर वर्ड्स में बताया कि जो पॉइंट है हमारा इंडिया की जो स्टेबिलिटी है सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला आफ्टर सेवन डे डिले तो मॉनसून आ गया है पर थोड़ा डिले है डिले का मतलब ये नहीं होता है कि मॉनसून इस बार सफिशियंट नहीं होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉनसून नॉर्मल होगा देन दिस इज मेट्रो प्लस और दिस इज मेट्रो प्लस क्राफ्ट एज यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ पीस तो यहां पे पीस एंड फ्रीडम यूक्रेनियन वुमेन रिफ्यूजीज ने यहां पर क्राफ्ट के थ्रू मैसेजिंग दिया है ओके एंड दिस इज बर्गर्स लिटल ब्रदर स्लाइडर्स दिस इज लुकिंग या मी नाउ दिस इज एडिटोरियल

द फोकस वॉज ऑन ट्रेड डेवलपमेंट ties ड्यूरिंग नेपाल प्राइम मिनिस्टर्स विजिट तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर साहब अभी इंडिया आए थे और इस विजिट में बात हुआ इकोनॉमिक सिक्योरिटी कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का ट्रेड किसी भी कंट्री के साथ बायोलेट्रल टाइज हमें डिस्कस करने हैं तो हम किन पिलर्स पे हम डिस्कस करते हैं ट्रेड में करते हैं एनर्जी में करते हैं कल्चर में करते हैं सिक्योरिटी इकोनॉमिक ये कॉमन चीजें हैं जब भी आपको बायोलेट्रल टाइज डिस्कस करना है ये पाँच छः पिलर्स के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए पॉलिटिकल रिलेशन हैं जो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट है काला पानी में इशू आ गया था बट अब उसको मैप को रिजोल्व करने की बात है बिकॉज अगेन नेपाल को इंडिया की बहुत जरूरत है इंडिया के लिए भी नेपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दिस हैजू बी अ बायोटिक रिलेशनशिप सिमबायोटिक रिलेशनशिप ओके और प्लस इसमें प्रॉब्लम आती है सी कंट्री का सी चाइना जिस तरीके से एट टाइम्स दिस नेपाल भूटान पाकिस्तान इनको यूज करता है एज अ पपेट अगेंस्ट इंडिया दिस अगेन एक कॉज ऑफ वरी है तो एक्सपोर्ट ऑफ पावर जैसे दस हजार मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात है पाइपलाइंस की बात है तो नेपाल के साथ जो रिलेशन है हमारे वो बहुत स्ट्रांग है हाइड्रो इलेक्ट्रिक है रेल कनेक्टिविटी है इसपे आपको आंसर राइटिंग भी करना था ओके चाइनीज़ प्रेजेंस एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न होता है और मदेशी एजिटेशन में भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जब नेपाल बनाने की बात थी तब भी देखा था द पॉइंट इज इंडिया को और नेपाल को दोनों को बहुत थॉटफुली ये जो सेंचुरीज ओल्ड रिलेशन है और नेपाल के साथ ऐसा बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता होता है फैमिली टाइज होते हैं तो ये चीज़ हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए देन गेटिंग रेलवे सेफ्टी बैक ऑन ट्रैक आफ्टर ओडिशा तो ये अभी अंडर अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस पर हम कॉमेंट्स नहीं देंगे बट जो रेलवे सेफ्टी है ये पैरामाउंट होती है ये अभी देखना है अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कॉज था इस एक्सीडेंट का क्या ये ह्यूमन एरर था क्या इसमें सबोटाज एंगल है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है द पॉइंट इज कि सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट यही ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पे एक्सेस टू सिस्टम अब देखो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जैसे जैसे डिजिटाइज होती जा रही है चीजें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करें वन एट टाइम फॉरन प्लेयर्स जैसे चाइना पाकिस्तान द पॉइंट इज की जो साइबर अटैक्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेड बन जाता है तो रेलवेज स्टॉक मार्केट बैंकिंग सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लाइन ये सब हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सब हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं इनको सेफ करना चाहिए स्ट्रांग रीजंस मेक एक्शंस, स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक एक्शन, तो हमारे रीजंस हैं और स्ट्रांग और कॉन्क्लूसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है ना द डिफिकल्टी आती है तो उसके साथ हम रेज करते हैं हम उसमें दबते नहीं हैं हमें भी अपना लेवल अप करने की जरूरत है यूपीएससी डिफिकल्ट हो रहा है तो आप क्यों डिफिकल्ट नहीं हो रहे हो इन द सेंस आप और ज्यादा मेहनत करो अपना लेवल और अप करो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ना ये पहले भी डिफिकल्ट था ये आज भी डिफिकल्ट है और ये कल भी डिफिकल्ट होगा ये एग्जाम वीक रिजोल्यूशन वीक हार्टेड पीपल के लिए है ही नहीं इसमें मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाना बहुत जरूरी होता है सो द पॉइंट इज कि अपना एंथुजियाजम अपना पीस ऑफ माइंड अपना इमोशनल और जो अपना रिजोल्यूशन है उसको मत सबसाइड होने दो सबसाइड होने दो द पॉइंट इज आप पढ़ाई करो स्टडी करो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है उनका स्टडी एक्चुअल स्टडी नहीं होता वो दिखावे की स्टडी होती है दिखावे की स्टडी कैसे होती है जैसे लास्ट ईयर का केस बताता हूँ फिफ्थ ऑफ जून को प्रिलिम्स एग्जाम हुआ है ना फिफ्थ ऑफ जून को प्रिलिम्स एग्जाम हुआ आपके पास एज था आपके पास अटेम्प्ट था फिफ्थ ऑफ जून 2022 को प्रिलिम्स का एग्जाम हुआ था एज और अटेम्प्ट दोनों था आपके पास और आपको पता भी था एग्जाम हम लिखेंगे बट पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हमने दो तीन महीने यूपीएससी को क्रिब किया हमने पढ़ाई नहीं की अदर ऑप्शन एक्सप्लोर किए बट वो भी हम फुल डिटर्मिनेशन से नहीं कर रहे तो वहां पर भी प्रॉब्लम ही आएगी आसान नहीं होगा देन इसके बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स मंथ्स और हुए फिर बाय नवंबर दिसंबर हमको लगा घूम फिर के सबसे बेस्ट ऑप्शन यूपीएससी ही है हमारे पास ऐसा होता है फिर क्या करेंगे आप नवंबर दिसंबर से आप पढ़ना चालू करेंगे फिर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और 28 मई को इस बार का एग्जाम था तो अगेन आपने प्रिपरेशन तो तीन चार महीने की और ये फिर वही पीस मिल अप्रोच था आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे फंडामेंटल्स थे उसको तो करेक्ट किया ही नहीं हमने तो ऐसे मोस्ट स्टूडेंट्स के केवल अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं और फिर वो थोड़े बिटर होते जाते हैं बिटर होते जाते तो इस चीज का आप केयरफुल रहो केयरफुल रहो ओके यस देन ऑल दिस मेक इट इवन मोर इम्परेटिव टू फोकस मोर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक एंड सिग्नलिंग तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा कवच बहुत ऑसम awesome है इंडिजीनस कॉम्प्रीहेंसिव सिग्नल सिस्टम है बट सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स में कवच भी शायद हेल्पफुल नहीं होता बट दैट डजेंट मीन कि हम कवच को बैक नहीं करेंगे कवच को बैक करेंगे और हम टेक्नोलॉजिकल जिस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को बेहतर बनाएं ताकि हमारी जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी हम आगे बढ़ाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें करना पड़ेगा ब्रिजिंग द ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिसिट इन मणिपुर डू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्क कैसे रिजल्ट आ रहे हैं इसका क्रिटिसिजम भी है पी क्या है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसे टेक्सटाइल हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अजम्बो एंड हिज मैलन साइज प्रॉब्लम प्रॉब्लम सी वेटरिनेरियन ने यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया वर्ल्ड डे था एलिफेंट इज इन्फेक्शन और इससे उसकी हेल्थ हो रही है 80 तो elephants, this, this elephants. On इसका अगर मैकेनिज्म बहुत आसान शब्दों में हम देखें ना तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा हीट आ रहा है अभी जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आएगा अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो सन यहाँ पर है ज्यादा हीट है ज्यादा हीट है तो जमीन ज्यादा जल्दी गर्म होती है पानी धीरे गर्म होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है लो प्रेशर एरिया सरफेस पे समुद्र में हाई प्रेशर एरिया है तो बहुत लेमेंट टर्म्स में यह लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है और विंड ऐसे ब्लो होगी समुद्र से जब विंड जमीन पे आएगी तो वो पानी कैरी करके लाएगी और यहाँ पे बारिश कराएगी इसमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं जेट स्ट्रीम का आता है आई टी सीट का आता है लाइक दैट अल सिंपल भाषा में लो प्रेशर हाई प्रेशर और विंड ऑलवेज ग्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दिस इज द कॉन्सेप्ट बट अगर यहाँ पे साइक्लॉन्स बन गए जैसे यहाँ पे एक साइक्लॉन बन गया यहाँ पे तो लो प्रेशर साइक्लॉन्स बनते हैं तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पे इंडियन ओशन में कोई लो प्रेशर साइक्लोन बन गया बे ऑफ बंगाल में तो क्या जो विंड एक्चुअली दिस जमीन पे आनी थी लो प्रेशर एरिया में क्या वो डायवर्ट तो नहीं हो जाएगी क्या जो ऑनसेट ऑफ मॉनसून वो स्लो तो नहीं हो जाएगा ये सब चीजें होती है साइक्लोन साइक्लोन इन द सेंस यहाँ पर है साइक्लोन कौन सा है हमारा जो होता है दिस साइक्लोन दिस इज सिंपल साइक्लॉन नॉट एंटी साइक्लॉन दिस इज साइक्लोन लो प्रेशर एरिया वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन है आप बताओ ये साइक्लोजेनेसिस क्या होता है वट यू मीन बाय दिस वर्ड साइक्लोजेिस साइक्लोजेसिस कंडीशन क्या होती है तो अगेन यही बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग है साइक्लोजेनेसिस पैसिफिक नॉर्थ इंडियन ओशन पे इसके इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं इंडियन ओशन वार्म हो रहा है प्री मॉनसून साइक्लोन्स भी लेट हुआ है टाइफोन्स आर अनादर मंकी रेंच इन मॉनसून डायनामिक्स सो द पॉइंट इज साइक्लोन से मॉनसून जो है वो इम्पैक्ट होता है तो प्रिडिक्ट करना मॉनसून को बहुत डिफिकल्ट टास्क है जैसे इस बार मानसून लेट आया है एक जून को आना था और अभी आठ नौ जून को आया है केरला में सो ग्लोबल वार्मिंग का इंडियन ओशियन पे इम्पैक्ट है और उसके कारण इंडियन मानसून पे भी इम्पैक्ट है तो देखिए मानसून इज ऑफ कोर्स आल्सो अफेक्टेड बाय थ्री ट्रॉपिकल ओशन एक इंडियन एक अटलांटिक और एक पैसिफिक एक्चुअली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है जैसे मैं प्रम्स में बोलता हूँ ना वन अप्रोच होना चाहिए बिकॉज सिलोज में नहीं होता है पीसमिल अप्रोच से डिफिकल्टी आती वैसे ही पूरा वर्ल्ड है के सारे ओशंस भी आपस में कनेक्टेड है एटमॉस्फेरिक फिनोमिन भी कनेक्टेड है एक ब्रिज है फ्रॉम द आर्कटिक ओशनिक टनल एज वेल एटमॉस्फेरिक ब्रिज बनता है सदन ओशन में और ये जो ब्रिज होता है दो फार अवे रीजन में इससे एक टनल इफेक्ट आता है और ओशनिक रीजन दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं विद इन द ओशन द पॉइंट इज सब कनेक्टेड है इंटर कनेक्टेड है ओशनस भी एटमोस्फेयर भी अब जब साइक्लोन बना है और बीच में प्रेशर एरिया डिफिकल्ट आ गया लो प्रेशर एरिया कहीं अलग बन गया साइक्लोन्स के कारण तो जो ऑनसेट ऑफ और जो प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून है वो इम्पैक्ट हो जाता है जैसे साइक्लोन मोका आया था अभी देन जो नेक्स्ट साइक्लोन है दिस साइक्लोन ऑल्सो कॉजिंग लाइक डिफिकल्टीज से आ सकता है सो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये इंपैक्ट करते हैं साइक्लोन्स साइक्लोन्स मतलब एक लो प्रेशर एरिया है विंड चारों तरफ से उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए आएगी और फिर कोरियोलिस फोर्स लगेगा और ऐसे करके स्पाइरल बन जाएगा तो जिस तरीके से ऐसे साइक्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं तो इससे एनोमली आती है ऑल राइट और जैसे अभी बिपर जो है अभी साइक्लोन आया है इससे एनोमली आएगी तो द पॉइंट इज कि ये जितने भी इम्पैक्ट हैं चेंजेस आ रहे हैं वेदर में वो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अब इसमें एक बात और है कि मॉनसून लेट आया इसका मतलब नहीं है कि मॉनसून इस बार नॉर्मल नहीं होगा वी आर होपफुल दैट मॉनसून इस बार नॉर्मल होगा तो लेट अस सी लेट अस सी प्री मॉनसून साइकिल है मॉनसून में प्रेडिक्शन वेरी डिफिकल्ट है लेट अस सी इसको वेट एंड वॉच अभी हम बस साइक्लोजेनेसिस क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं ये यूपीआई ट्रांजेक्शन है यूपीआई ट्रांजेक्शन में वन लाख ,00 का कैप होता है और फिर इसमें कैप लगा रखा है बिकॉज यूपीआई बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है पूरी चीजों को कंडक्ट करने का फॉर नाउ गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर रही है बिकॉज वी वांट टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस सो यूपीआई का फ्यूचर ब्राइट है अभी ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे बढ़ेंगे ट्रांजेक्शन ऑन द राइज ही होगा और इसी पे बेस्ड हमें आंसर राइटिंग भी करना है यूपीआई और दिस नाच वगैरह सारा आप एनपीसीआई के इनिशियेटिव पे एक शॉर्ट नोट बनाइए वेरी वेरी यूजफुल ओके देखिए ये एग्जाम की प्रिपरेशन ना स्पून फीडिंग की नहीं होती है स्पून फीडिंग की स्पून फीडिंग की और हमेशा ये बिगिनर माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए कि हम अभी बहुत बेसिक्स में हैं अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ये इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए वेर देर इज विल देर इज द वे छह महीने हो गए साल भर हो गए कब तक हम बिगिनर रहेंगे बेसिक्स पे रहेंगे हम तो ये जो माइंड है ना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट चैलेंज करो उस चीजों को कैसे नहीं आता है रिसोर्सेज पता है बुक्स पता है डायरेक्शन पता है स्टडी नो योर इंग्लिश नो योर इंग्लिश दिस इज पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम क्या होता है ये अब अ प्लेस ऑफ वॉयलेंस कंफ्यूजन एंड अप्रोर होता है है ना ये कॉइन टर्म टा, किया था जॉन मिल्टन ने ऑल डीमन तो दिस इज पेंडेमोनियम पैरापेट वॉल क्या होती है ये से बाउंड्री वॉल जो होती है उसको पैरापेट वॉल बोलते हैं ओके शील्ड कर रही है उसे काइंड ऑफ लाइक दैट ट्रेवल का मतलब होता है पैंग्स ऑफ चाइल्ड बर्थ मतलब इट इज़ अगोनी क्योंकि बहुत लेबोरियस एफर्ट है उसमें काफ़ी पेनफुल और काफ़ी ज़्यादा लाइक भागीरथी प्रयास टाइप है सो दैट इज दिस ट्रेवल फॉर अ पर्सन हु डायरेक्ट 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 सर्स टू अवर सीट्स इन अ थिएटर तो उसको हम बोलते हैं अशर ओके okay? जैसे यू इन अप है और आर साइलेंट है सो दिस इज दिस इज़ जो पर्सन हमें डायरेक्ट कर रहा है ना डायरेक्ट कर रहे हैं चाइना ओके सो दिस इज अशर देन पर है दिस इज पुच ये वो पर्सन होता है एन अटेम्प्ट एट अ पोलिटिकल रिवोल्यूशन तो रिवोल्यूशन हो रहा है वहां पे तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक था जैस्मिन रिवोल्यूशन जैस्मिन रिवोल्यूशन उसने अरब स्प्रिंग से स्टार्ट किया था डू यू नो ये जैस्मिन रिवोल्यूशन कहाँ पे हुई थी अरब स्प्रिंग आज से दस ग्यारह साल पहले अरब स्प्रिंग आई थी यस yes. टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड हाउ टू यूज इट तो सोशल मीडिया में आप जो देखते हैं है. इसके पीछे बहुत एफर्ट्स होते हैं फेलियर्स होते हैं काउंटलेस आवर्स ऑफ स्टडीज होती है ओके सो दिस इज दिस सौजन का मतलब होता है विजिट और स्टे आफ्टर अ ब्रीफ सोजन इन हॉलैंड टू स्टडी संस्कृत ही मूव टू इंडिया ये क्विज अच्छा है आज का नेम दिस ओशन करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ मोजाम्बेग तो ये अगुलास करेंट है अघुलास करेंट करंट वार्म भी होता है कोल्ड भी होता है ये अगुलास कौन सा करंट है आंसर वार्म है या फिर कोल्ड करंट है नेम द मार्जिनल सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड द कोरियन पैनलोला द नेम इज यो सी इसको येल्लो सी क्यों बोलते हैं आंसर नेम द स्पेशलिटी ऑफ द सार्गासो सी इन नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर तो इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है इसमें कोई भी लिटोरल कंट्रीज नहीं है इसका नाम सारगासो क्यों रखा आंसर जोग्राफी कितनी सारी जोग्राफी आंसर सारगासो क्यों रखा इसका दिस नेम दिन अंडर विच द बिगेस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड द आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन अब ये भी बताइए इस वॉटरफॉल का नाम क्या है वॉटरफॉल का नाम क्या है ये है प्रो ओके टलांटिकॉटरफॉल का नाम क्या है आंसर दिस कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इज कनेडा कनेडा की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी बड़ी स्टेट किस राज्य की कोस्ट लाइन बिगेस्ट है रिंग्स ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर पैसिफिक विजुअल कहा जाता है ओके रीच द डीप एंड ऑफ फाइव ओशन फाइव ओशन सो ये था कुछ जोग्राफी का क्विज देन यहाँ पे ओपन ए आई ओपन ए अगेन बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है सेम एल्टमैन मीट्स प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्कस ग्लोबल रेगुलेशन ऑन ए ये डी की अग्नि प्राइम मिसाइल है हमारे पास मिसाइल सिस्टम है बट उसमें लेटेस्ट नए मटेरियल्स यूज करें एडवांस करें स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए तो उसको प्राइम सीरीज नाम दिया हुआ है तो ये अग्नि मिसाइल सिस्टम ही है बट दिस इज प्राइम तो डी ने इसका भी टेस्ट किया ओके तो इसी पे आंसर राइटिंग करना है इंडियन मिसाइल सिस्टम पे देन सेप्टर ए नेशनल एग्जिट है

और ये है हाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्पैक्ट द इंटेस्टाइन एंड योर लाइफ ये स्ट्रेस नहीं लीजिए जितना कम हो सकता है इट इज इम्पैक्टिंग योर परफॉर्मेंस अभी ट्वेंटी एट ऑफ मे का एग्जाम था मैंने कितने बार कहा कि ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक हफ्ते में पढ़ लिया और अट्ठाईस मई को हम अच्छा कर देंगे दैट डजेंट मीन कि आप पढ़ना बंद कर दो पर स्ट्रेस लेके मत पढ़ो ये एग्जाम आप ट्वेंटी एट्थ ऑफ मे को लिखते हैं प्रलिम्स का या फिर आप अट्ठारह मई को लिखते हैं कोई फर्क नहीं आना था ऐसे ही पेपर जाता आपका तब भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ना बंद कर दें आखिरी टाइम पे पर ये अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बंद करें बिकॉज इससे और वर्जन होती है चीज़ें तो क्रोनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है प्रेशर है इससे क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में गट हेल्थ खराब हो रही है और इससे ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आएगी तो मेंटल स्ट्रेस है एडर्नल ग्लैंड में आता है एलिवेटेड हो जाता है देन मोनोसाइड्स आते हैं ग्रोथ फैक्टर ट्यूमर दिस इज नॉट गुड स्ट्रेस से ये एग्जाम वैसे भी नहीं निकलेगा और टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे सो डोंट डोंट स्ट्रेस स्ट्रेस आउट नहीं करो और खुद को बहुत सीरियस भी मत लो अक्सर हम सबके फेवरेट होते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस होती है वी थिंक वी आर परफेक्ट दिस एंड दैट बट द पॉइंट इज इट इज नॉट तो डोंट टेक योर सेल्फ वेरी वेरी सीरियसली वी अ स्टूडेंट एंड ट्राई टू लर्न ट्राई टू इम्प्रूव ओके तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है

सो अगेन द पॉइंट इज की आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए ओके फिटनेस मेंटल ट्रॉमा इन सब से आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए okay? आज हमें डिस्कस करना था सेवेंथ ऑफ जून का और ये ऐसे भी ऐसे अभी मैं नौ बजे डिस्कस करूंगा अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बीग्यूटीज ये ऑलरेडी हो गया है और ये ऐसे जो सबमिशन है ये भी हो गया है कल हम फिर आज इसको डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ ऑफ जून का ओके okay? कल हम साइबर थ्रेट्स पे ध्यान Alright, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.